स्वागत है आपका दोस्तों। पहला ग्राम जो है यह भंडारा विधानसभा क्षेत्र का ही गांव है, जिसके स्थानीय विधायक जो है डॉक्टर रामचंद्र जी अवसरे। यह यहां के विधायक है। विधायक होने के बावजूद इस गांव में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। यह गांव पुनर्वसित गांव है। यह गांव जहां जो डैम बना हुआ है उस डैम के पुनर्वसन का ही गांव है, लेकिन इस गांव में देखिए बेरोजगारी किस हद तक के बढ़ी है। देखिए मेरे साथ, जानते हैं हम गांव वालों की क्या है। हम लोग इस वक्त मौजूद है भंडारा जिले के पहला ग्राम में, जो कि यह जो इलाका है यह भी रामचंद्र अवसरे जो यहाँ के स्थानीय विधायक है उन्हीं का इलाका है। इस इलाके के लोगों से हम जानने का, आज पहला गांव के जो ग्राम के लोग हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस गांव में कितना विकास हुआ है और क्या क्या उनको रोजगार के संबंधित अवसर मिल चुके हैं। क्या नाम है आपका? खराबी महाराज जी। बताइए महाराज जी, इस गांव में क्या क्या विकास हुआ है? रामचंद्र अवसरे यहाँ के विधायक है, उनके माध्यम से क्या क्या विकास हुआ है? विकास तो दिखता नहीं, सब बेकारी है। ये जवान लड़के पड़े हैं, बेरोजगार है। और उधर सब हमारी पुनर्वसन धरन में जमीन गई। अच्छा। वो बेनिफिट नहीं मिला। अच्छा, आपको बेनिफिट अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। हाँ। पर हमारे लड़के को नौकरी। अच्छा। और वाड़ी पैकेज। अच्छा। ये नहीं मिला, ये सारी चीजें नहीं मिली। अच्छा, मिली। इस गांव में हमारे लड़के ये फिरते घूमते बेरोजगार है, सब ये नागरिक बेरोजगार है, मजूरी नहीं है इधर। अच्छा, इस गांव में स्थानीय विकास की जो योजना होती है जिसमें सड़कें नालियां ये वगैरह बनी है कुछ? नहीं, सड़कें वो बनी है। हाँ। ये हाईवे वगैरह का काम बाकी है। बाकी है। अच्छा, और गाँव में बना? इस गाँव में अस्पताल की सुविधा है? है। डॉक्टर वगैरह रहते हैं? सब सुविधा वगैरह की, स्कूल वगैरह, शिक्षा PSC की सब अच्छी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो विधायक है वो सक्रिय है विधायक या निष्क्रिय विधायक है? आता ये काम दिखता है ना, सक्रिय करने निष्क्रिय। अच्छा, वो काम, ये काम दिखते हैं। अच्छा, आपके गांव में कितने दिन रोजगार हमी का जो काम रहता है वो कितने दिन चल पाया? वो कितने दिन का? 8-10 दिन चलता है। 10 दिन चल पाया था, उसके ऊपर नहीं चल पाया? नहीं, ऊपर नहीं। तो यहाँ के जो दिन का नहीं चलता यहाँ, यानी लोगों को जो रोजगार है वो खेती बाड़ी से ही मिल पा रहा है? हाँ, तो खेती बाड़ी सब गई और सब हो, खाली हो गए लोग। अच्छा, तो यहाँ यानी बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है? बेरोजगार, मजूरी नहीं है, कहीं ना ऐसे खड़े रहते हैं होटल पे, क्या करे क्या करेंगे, यानी यहाँ बेरोजगारी का बेरोजगारी। क्या नाम है आपका? मधुकर मलोडे। अच्छा, नवर गांव के मलोडी जी, बताइए आपके गांव में कुछ विकास हुआ है? हाँ, हमारे गांव में विकास मतलब गांव का विकास हुआ है। हाँ। मगर रोजगार नहीं मिला है। रोजगार नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश जी, बताइए आपके गांव में रोजगार के क्या साधन मुहैया करा पाए हैं यहाँ के विधायक? ये बताएंगे हमको मालूम। क्या नाम है आपका? अमित। आपके गांव में रोजगार के क्या क्या साधन है? रोजगार के साधन बोले तो यहाँ कोई अवेलेबल नहीं है साधन। रोजगार कुछ भी नहीं है? नहीं है। अच्छा, जैसे गोसे धरन में आप लोगों के जो खेती बाड़ियाँ गई है। हाँ। तो उसके एवज में सरकार नौकरी पर भी एक व्यक्ति को लेने वाली थी, तो लिया है यहाँ किसने? नहीं लिया अभी तक के, नहीं लिया, नहीं है लिया। अच्छा, जो यहाँ की जो खेती जाने के बाद उनको जो मुआवजा मिलने वाला था, वाड़ी यानी बढ़ाकर जो मुआवजा दे रहे थे, वो दिया है यहाँ लोगों को? नहीं दिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? रोडी राम डहारे। अच्छा, डहारे जी, बताइए आपके गांव में स्थानीय जो विधायक है उनके माध्यम से क्या क्या काम किए गए हैं? उनके माध्यम से हमारे गांव में ऐसा तो कुछ ये दिख नहीं रहा है जो। अच्छा। जो हम आमदार से जो कुछ चाहते थे। हाँ। आमदार से, तो आमदार के माध्यम से हमारे गाँव में अच्छा विकास ऐसा कुछ ज़्यादा दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, आपके गाँव में कितने दफा वो आए हैं? हमारे गाँव में वो आते ही नहीं, सिर्फ साल में एक दो बार आते हैं। अच्छा। और यहाँ से जाते हैं तो कुछ ऐसा नहीं कि गांव के लोगों से मिलना चाहिए। अच्छा, रोजगार संबंधित उनसे कभी आप लोगों ने चर्चा की है यहाँ का किसी लोगों ने उनसे? रोजगार संबंधी हो हमारे गांव में आए ही नहीं, हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, हमको क्या मालूम है नहीं है, तो चर्चा कैसे करेंगे? हाँ, तो यानी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो आपको मिल नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप अपनी उनको समस्याएं नहीं बता पा रहे हैं। हाँ। अच्छा, इस गांव में शिक्षा की कोई मैंने जो व्यवस्था है वो ठीक है कि कैसी है? शिक्षा की व्यवस्था है ना, हमारे गांव में एक जिला परिषद का स्कूल है। हाँ। और ये माध्यमिक जूनियर कॉलेज का स्कूल है। हाँ। तो शिक्षा का लेवल भी उतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, मीडियम लेवल का है। मीडियम लेवल का। हाँ, जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे को जो शिक्षा मिलनी चाहिए
उतनी स्टैंडर्ड लेवल के लिए मिल रही है, लेवल का एजुकेशन नहीं, नहीं है यहाँ। अच्छा, यहाँ स्वास्थ्य सेवा वगैरह कैसी है, अस्पताल वगैरह? अस्पताल वगैरह ठीक है, डॉक्टर वगैरह रहते हैं वहाँ? डॉक्टर वगैरह रहते हैं। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, हाँ, उनको कभी जो यानी पुनर्वसन के जो लोग हैं, हाँ, उन लोगों ने कभी उनसे मांग की है कि भाई उनका ये जो समस्या है, जैसा उनको जो पैकेज जो दिया गया था, यानी उनको पैसा जो दिया गया था मुआवजा, हाँ, उसको अपग्रेड किया गया है? हमारा जो पहला जो जिला परिषद क्षेत्र है, हमारे पहला जिला परिषद क्षेत्र के अंदर ये आजू बाजू के 25 गांव है, 25 गांव में से कम 15 गांव तो पुनर्वसित ही है। अच्छा, पुनर्वसित है तो गवर्नमेंट ने हमको 10-12 साल पहले पैसा दिया था, वो भी हमको हमारी ये उस म्हणजे त्यांनी आमची पूर्ण एक प्रकार से कने म्हणजे फसवणूकच केली। अच्छा, म्हणजे आम्हाला एकरी 50,000-60,000 असं दिलं, आम्हाला काही समजलं नाही, आमच्याजवळ पैसा नव्हता तर आम्ही उचलून घेतलं, आता आम्हाला काही समजलं नाही। आणि आता जेव्हा लोकांना आता नवीन जमीन घेत आहे तर त्यांना आता एकरी 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, यानी आपको मुआवजा कम मिला था, लेकिन हाँ, अभी आपको जमीन अगर खरीदनी है, हाँ, तो 15-20 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मिलेगी? हाँ, हाँ, आमच्या एरियातले बहुतांश लोक जे हे प्रकल्पग्रस्त जे लोक आहे, हे पूर्ण आता म्हणजे त्यांना काही रोजगार नाही, काही नाही, पूर्ण बेरोजगारी आहे इथं, लोकांच्या हाताला काही काम नाही, काही नाही, हे पुष्कळशे लोक हाटेलवर बसतात आणि काही म्हणजे त्यांना म्हणजे रोजगाराचं साधनच नाही आहे, रोजगार काही यहाँ साधन नाही आहे, पूर्ण इथली जी परिस्थिती आहे पूर्ण शेतीवर आहे, आणि शेती काही 12 महिने नाही आहे, फक्त धानापुरती कथा आहे, इथं 4 महिने की खेती होती, हा 4 महिने की खेती है, फक्त धानापुरती कथा आहे। मी तर गव्हर्नमेंटला असं म्हणत आहे की इथं एखादी काही फॅक्टरी पाहिजे, जेणेकरून इथल्या कमी 1,500-2,000 लोकांना काम मिळालं पाहिजे, आणि इथं जरुरी आहे, इथं बेरोजगारी है, हाँ हाँ, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा। इस संदर्भ में आपने कभी विधायक से चर्चा की है? हाँ, चर्चा बहुत बार की है। क्या बोले वो लोग? वो अभी क्या है, यहाँ वहाँ कंपनी खुल रही है ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन गांव का विकास के बारे में बोलते हो तो वो सब ठीक है। अच्छा, गांव हाँ, के विकास में कुछ भी योगदान? हाँ, मैं खुद बेरोजगार हूँ। अच्छा, सबसे मुद्दा क्या है, अपनी पुलिस भर्ती निकाली थी, हाँ, उसमें भी जगह कम है। अच्छा, हमारे लिए मैं एनटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे पास की कोई जगह नहीं है, ना नागपुर सिटी में ना भंडारा में। अच्छा, देखो मेरे साल यानी उम्र निकल दी आ रही है, हाँ, और ये भर्तियां नहीं निकल रहे, हर जगह बोल दी बेरोजगारी, जिधर दे, जाओ वहाँ जाओ। अच्छा, बेरोजगारी है, इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। अच्छा अच्छा, आपके आपके इसी गांव में रहते हैं ना? हाँ, तो इस गांव में आपने विधायक को कितने बार देखा, अवसरे जी को? अवसरे हमारे, मैं चुआ का रहवासी हूँ। अच्छा, आगे 2 किलोमीटर है। हाँ, उन्होंने दत्तक लिया था हमारा गांव। अच्छा, तो वहाँ विकास हुआ है? हाँ हाँ, आप जो गली में जाओगे वो गली आपका पैर भरेगा नहीं। अच्छा, टोटली उन्होंने सीमेंट रोड बने हैं। हाँ, अच्छा, और रोजगार के साधन नहीं मिले? हाँ, सिर्फ सबसे बड़ा मुद्दा वही है रोजगार, रोजगार का ही मुद्दा। हाँ हाँ, सब एजुकेटेड लोग। तो जैसा हमने अभी इस गांव के लोगों से हमने जब चर्चा की है, तो ये चर्चा में हमें साफ तौर पर देखने में मिला है कि इस गांव में सबसे ज़्यादा बेरोजगारियों की संख्या ज़्यादा है, रोजगार के साधन मुहैया नहीं है। यहाँ किसानी के माध्यम से लगभग 4 महीने की ही रोजगार अवेलेबल होता है, जिसके वजह से यहाँ के जो स्थानीय युवक है वह यहाँ दिन भर जो चाय की दुकानें होती है, पान टपरियाँ होती है, उन पर बैठकर अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसी सिचुएशन में काफ़ी यानी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के जो खेती ली गई थी, यानी जो पुनर्वसन किया गया था, और जो धरन में इन लोगों की जमीनें, खेती की जमीनें चली गई थी, उसका भी इन्हें कम मुआवजा मिला था, लेकिन अब इन्हें अगर खेती कहीं और खरीदनी है तो इनको लगभग 15-20 लाख रुपए प्रति एकड़ खेती के पैसे गिनकर देने पड़ेंगे। ऐसे हालात में ना किसान खेती खरीद पा रहा है, ना ही उसको कोई रोजगार मिल पा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में भी यहाँ के जो स्थानीय विधायक है अवसर है जी, उन्होंने उनके साथ इन्होंने कई बार दफ़ा चर्चा की है, और वो चर्चा में भी उन्होंने कभी इनका समाधान नहीं किया है। मैं कैमरामैन नीलेश पसीने के साथ निशांत भाई। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे मेरे साथ गौड़ी पार बाजार करके जो गाँव है, रामचंद्र अवसरे, उसी विधानसभा क्षेत्र का ही गांव है भंडारा का, उसे देखिएगा। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। हेलो, ओए, तूने आज हाउस वार्मिंग पार्टी रखी है, मुझे क्यों नहीं बुलाया? सर, कैफ यू यार। पर हाँ, मैंने भी अपने घर पे रॉयल हेलचील लगाया है। So? रणबीर, उसका एंटीबैक्टीरियल टेक्नोलॉजी बैक्टीरिया को किल कर देता है ना? पर मेरे और बैक्टीरिया में क्या कनेक्शन? So funny.
Thank you. Hey, careful. What? It kills bacteria. Asian Paints Royale Health Shield. इसकी एंटीबैक्टीरियल टेक्नोलॉजी दीवारों पे लगे बैक्टीरिया को किल करे और घर को रखे सेफ. रॉयल हेल्थ शील्ड, द पेंट दैट केयर्स फॉर यू.